हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है वो हम स्टडी करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है वो स्टडी करना है। लेकिन आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बीच में डिफरेंस स्टडी करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होती है। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको दो प्रकार की ड्राइंग करना होता है। एक होता है टू डायमेंशनल ड्राइंग और दूसरा होता है थ्री डायमेंशनल ड्राइंग। टू डायमेंशनल ड्राइंग के प्रॉब्लम्स आपने इसके पहले प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में सॉल्व किए हैं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड, तो इस टाइप के प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व किए हैं ये सब टू डायमेंशनल ड्राइंग के प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज करके आपने पूरा ड्रॉइंग ड्रॉ किए हैं। इट मीन्स प्रोजेक्शन आपने पूरे ड्रॉ किए हैं और यही टू डायमेंशनल ड्रॉइंग को आप ऑर्थोग्राफिक ड्रॉइंग कहते हैं। और इसके थ्रू जो प्रोजेक्शंस बनते हैं उसको आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं, जिसमें आप फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाते हैं और ये जो कुछ भी आप बनाते हैं वो आप एक्स और वाई एक्सिस का यूज करके बनाते हैं। इट मीन्स इसमें दो एक्सिस इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसको टू डायमेंशनल ड्रॉइंग कहते हैं। और अब सेकंड टाइप की ड्रॉइंग है थ्री डायमेंशनल ड्रॉइंग। थ्री डायमेंशनल ड्रॉइंग हमेशा कोई ना कोई सॉलिड की आप बना सकते हैं, कोई भी मशीन कंपोनेंट की या कोई भी ऑब्जेक्ट की आप थ्री डायमेंशनल ड्रॉइंग बना सकते हैं। तो ये जो थ्री डायमेंशनल ड्रॉइंग बनाते हैं ये तीन एक्सिस का यूज करके बनती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये तीन एक्सिस का यूज करके थ्री डायमेंशनल ड्रॉइंग बनती है, इसलिए ये ड्रॉइंग को थ्री डायमेंशनल ड्रॉइंग कहते हैं। और यही थ्री डायमेंशनल ड्रॉइंग को आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग कहते हैं। तो फाइनली आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग इट मीन्स थ्री डायमेंशनल ड्रॉइंग, जिसमें तीन एक्सिस यूज होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ये तीनों एक्सिस के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। तो 120 को अगर आप तीन बार ऐड करेंगे तो 360 आता है, और 360 आने के वजह से इसके थ्रू जो हमें व्यू मिलता है वो 360 डिग्री व्यू मिलता है, और ये 360 डिग्री व्यू हमें तीन एक्सिस का यूज करके मिलता है, इसलिए ये ड्राइंग को थ्री डायमेंशनल ड्राइंग कहते हैं, और थ्री डायमेंशनल ड्राइंग को ही आइसोमेट्रिक ड्राइंग कहते हैं। तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होती है। हमने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बीच में डिफरेंस पता करने के पहले आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होती है वो पता होना चाहिए। तो फाइनली हमने आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग का पूरा डेफिनेशन बता दिए। आइसोमेट्रिक ड्राइंग इट मीन्स थ्री डायमेंशनल ड्राइंग, जिसमें तीन एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और अब ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आइसोमेट्रिक व्यू और दूसरा होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है हमें बस वो स्टडी करना है, क्योंकि एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो दो टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, या तो एग्जाम में आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए कहेगा या तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए कहेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आइसोमेट्रिक के प्रॉब्लम ड्रॉ करते हैं उनको नंबर ऑफ टाइम यही कंफ्यूजन होता है कि आइसोमेट्रिक व्यू है तो किस तरह से बनाना, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो क्या मेथड यूज करना, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है और यही कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। तो अब ध्यान से सुनिए जो हम बता रहे हैं। एग्जाम में जब कभी भी कोई आइसोमेट्रिक का प्रॉब्लम आता है तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में यह पढ़ना है कि आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अगर क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू तो आपको क्या करना है, सुनो, अगर क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू तो आपको पूरा का पूरा आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है बाय यूजिंग एक्चुअल लेंथ। क्या कहा हमने, ये आप नोट पैड में लिख के रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर आप ये भूल गए तो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आइसोमेट्रिक व्यू अगर ड्रॉ करने के लिए कहा तो आपको एक्चुअल लेंथ का यूज करना है। एक्चुअल लेंथ कहो या ट्रू लेंथ कहो या ओरिजिनल लेंथ कहो, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड दिया है। कुछ बुक्स में एक्चुअल लेंथ ऐसा वर्ड दिया है, कुछ बुक्स में ट्रू लेंथ ऐसा वर्ड दिया है, तो कुछ बुक्स में ओरिजिनल लेंथ ऐसा वर्ड दिया है। तो हमेशा ध्यान में रखना है आइसोमेट्रिक व्यू बनता है बाय यूजिंग एक्चुअल लेंथ। इट मीन्स क्वेश्चन में जो भी टाइप का डायग्राम दिया है, क्वेश्चन में जो कुछ भी डायमेंशन दिया है, वो डायमेंशन एज इट इज लेके आपको एक व्यू ड्रॉ करना है, वो व्यू को आप आइसोमेट्रिक व्यू कहेंगे।
और एक बात ध्यान में रखो कि ये जो एक्चुअल लेंथ है, ये जो ट्रू लेंथ है, ये आपको कहीं से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास स्केल है, या बोलो आपके पास मिनी ड्राफ्टर है, या आपके पास रोलर स्केल है, वो स्केल में जो लेंथ है वही है एक्चुअल लेंथ, वही है ट्रू लेंथ, वही है ओरिजिनल लेंथ। वही लेंथ का यूज करके आपको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना चाहिए। और क्वेश्चन में जो कुछ भी लेंथ दिया है, जैसे 20 mm दिया है, 30 mm दिया है, 50 mm दिया है, 70 mm दिया है, वो mm एज इट इज आप स्केल में लेंगे और वही लेंथ का यूज करके आप आइसोमेट्रिक बनाएंगे, तो वो हो जाएगा आइसोमेट्रिक व्यू। और अब बात करते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हमेशा आइसोमेट्रिक व्यू का रिड्यूस फॉर्म होता है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू भी ड्रॉ किए और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी ड्रॉ किए, तो दोनों में आपको डिफरेंस ये दिखाई देगा कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है वो आइसोमेट्रिक व्यू से थोड़ा सा छोटा रहेगा। आइसोमेट्रिक व्यू का साइज बड़ा होता है और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का साइज छोटा होता है। अब ये ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू जो ड्रॉ करना पड़ता है वो बाय यूजिंग एक्चुअल लेंथ लेके ड्रॉ करना पड़ता है, इट मींस बाय यूजिंग ट्रू लेंथ लेके ड्रॉ करना पड़ता है। और ट्रू लेंथ हमेशा बड़ा होता है, एक्चुअल लेंथ हमेशा बड़ा होता है, इसलिए जो आइसोमेट्रिक व्यू बनता है वो बड़ा बनता है। लेकिन जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हमेशा आइसोमेट्रिक लेंथ का यूज करके बनाते हैं। आइसोमेट्रिक लेंथ हमेशा एक्चुअल लेंथ से छोटा होता है, एक्चुअल लेंथ बड़ा होता है, आइसोमेट्रिक लेंथ छोटा होता है, इसीलिए उसके थ्रू जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनता है वो छोटा बनता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक लेंथ से बनता है, जबकि आइसोमेट्रिक व्यू एक्चुअल लेंथ से बनता है, ये आप ध्यान में रखो। और ये आइसोमेट्रिक लेंथ क्वेश्चन में कभी भी दिया नहीं होता है, आइसोमेट्रिक लेंथ आपको हमेशा फाइंड आउट करना होता है। क्वेश्चन में हमेशा एक्चुअल लेंथ दिया रहेगा, इट मींस ट्रू लेंथ दिया रहेगा, यही ट्रू लेंथ का यूज करके आपको आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करना होता है। अब ये आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है सुनो, फर्स्ट मेथड ये है कि आप इसको कैलकुलेटर में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, इट मींस एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर में अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए। देखो रिलेशन हमने यहां पे दिया है, ये रिलेशन का आपको यूज करना है। रिलेशन आपके सामने है, आइसोमेट्रिक लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ इक्वल्स टू 0.815। ये रिलेशन का यूज करके आप आसानी से आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। लेकिन इसके थ्रू जो आइसोमेट्रिक लेंथ रहेगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो अप्रोक्सीमेट आएगा, इट मींस आपको ड्रॉ करते समय दिक्कत जाएंगी। मान लो इसके थ्रू जो आइसोमेट्रिक लेंथ आपने फाइंड आउट किए हैं, मान लो 2.32 सेंटीमीटर, ऐसा आपने अगर फाइंड आउट किए, 2.32 सेंटीमीटर आप स्केल से ड्रॉ करते समय कैसे ड्रॉ करेंगे, उसमें आपको दिक्कत जाएंगी। इसीलिए आपको एनालिटिकल मेथड यूज करने के बजाय, इट मींस कैलकुलेटर का मेथड यूज करने के बजाय, आपको ड्राइंग मेथड का यूज करना चाहिए, जो सेकंड मेथड है। ड्राइंग मेथड क्या है? ड्राइंग मेथड में आपको आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना है। आप अगर आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ कर लेते हैं तो आइसोमेट्रिक स्केल का यूज करके आप आसानी से और बिल्कुल एग्जैक्ट आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये आइसोमेट्रिक स्केल आप दो टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये दोनों टाइप्स आपके सामने हैं, या तो ऊपर का टाइप आप यूज करो, या तो सेकंड टाइप जो नीचे का है वो यूज करो। आप आसानी से आइसोमेट्रिक स्केल का यूज करके आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने आइसोमेट्रिक स्केल कैसे ड्रॉ करना, ये दोनों स्केल कैसे ड्रॉ करना, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको ये दोनों स्केल ड्रॉ करना आ जाएगा। आप ये आइसोमेट्रिक स्केल का यूज करके आसानी से आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बार आपको आइसोमेट्रिक लेंथ मिल गया तो वही लेंथ का यूज करके आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना सकते हैं। लेकिन आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करने का जो हमने आपको रिलेशन बताए थे, वो रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के टाइम एग्जामिनर कभी-कभी क्वेश्चन पूछता है कि आपको अगर कैलकुलेटर से एनालिटिकली अगर सॉल्व करना है तो आप आइसोमेट्रिक लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। रिलेशन में आपको जहां पे राइट हैंड साइड में 0.815 दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में ये डिफरेंट डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में 0.815 दिया है तो कुछ बुक्स में 0.816 दिया है। तो आप कोई भी एक आप नंबर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली उम्मीद करते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बीच में का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।